दोनों बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से ये उल्टी हो गई थी। कंफ्यूजन मुझे ये था स्वामी जी, पहले हो गई थी, इसका टाइम था 9 दिसंबर और ये बहुत पहले 9 दिसंबर। कंफ्यूजन इस बात का स्वामी जी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो पूरा स्टमक का वेट है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि शीर्षासन क्या करना वाकई में इतना इजी होता है या फिर किसी ट्रेनर के साथ ही अपने गुरु के साथ? ना ना, बिल्कुल इजी नहीं होता। इसीलिए आपने देखा होगा जी, बताएं, दीवार के साथ कर रही थी हाँ विराट की पत्नी भी हाँ, तो एहतियात लेनी चाहिए और जो शुरू से हमेशा तो से करते आ रहे वही कर सकते हैं या कोई शुरुआत भी कर सकता है अपनी प्रेगनेंसी के दौरान? शुरुआत भी कर सकता है प्रेगनेंसी के दौरान। देखो, एक तो बैठो बच्चों, एक तो ये जो बटरफ्लाई है करो बेटा, बटरफ्लाई और आसन, जितने सूक्ष्म व्यायाम है और भस्त्री का अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, और जिनको बहुत बेचैनी रहती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, शीतली शीतकारी, ये सबको करने हैं। और अभी मैं सूक्ष्म व्यायाम बताते बताते कुछ बड़ी बातें भी बताना चाहता हूँ। और आज हमने जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके पूरे पोषण के लिए मातृत्व, एक शब्द वैसे माताओं के लिए प्रयोग होता है, मातृत्व और मातृत्व प्लस करके हमने प्रोडक्ट भी बनाए हुए, आज बना करके भी दिखाएंगे। आज की जो रेसिपी है ये प्रेग्नेंट लेडीज को गर्भावस्था में क्या खाना चाहिए वो भी हम बताने वाले, तो उसके बारे में अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे उसके ऊपर। आज का जो विषय है पहले उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल डिलीवरी का और गर्भावस्था के दौरान इसने क्या किया, योग में एमए किया, योग में एमए कर लिया इसने बच्चे पैदा करते करते ही योग में भी एमए कर लिया। चलो भाई, इसके लिए भी अभिनंदन। तो और साल का पीजी डिप्लोमा ही नहीं होगा। तो जो है योग करते करते योग की डिग्री भी ले ली और योग से डिविनिटी भी पा ली। अब ये बच्चे इसकी पैदाइश ही योग कर रहे हैं, क्यों? क्यों माँ योग करती थी तो बच्चे योग के संस्कार पड़ गए और ये बच्चे पूर्ण स्वस्थ है, कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं, कोई फिजिकल डिसऑर्डर नहीं। नहीं तो पैदा होते ही बच्चों को जॉन्डिस, पैदा होते ही बच्चों को एस्थमा, पैदा होते ही बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम, पैदा होते ही बच्चों को किडनी की प्रॉब्लम, बहुत तरह की दिक्कतें बच्चों को आती हैं। तुम्हारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, इसे बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा थ्रोट इन्फेक्शन, केवल आपको गिलोय बोला तब से कुछ भी नहीं है। तो इसको पहले थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन होता था, अब इसने गिलोय पी करके वो भी अच्छा कर लिया। आपने कितना स्वामी जी को देख के पिया ना, रोज बोल दिया आपने पिया, डॉक्टर भी खुद बता दी, डॉक्टरों ने कितने क्या पिया खुद बताओ, पिया क्या पिया, गिलाय पिया। और उससे पहले क्या खाते थे? डॉक्टरों की दवाई बताओ क्या क्या देते थे? डॉक्टरों की दवाई खाते थे पहले? एंटीबायोटिक देते थे ना, एंटीबायोटिक भी खाए, बहुत बीमार होती थी, बहुत बीमार होती थी, थ्रोट इन्फेक्शन होता था इसको खाली, वो गिलोय ठीक खा करके ठीक कर लिया। चलो, तो ये सूक्ष्म व्यायाम, चलो जाओ अब बैठो उधर। अब एक दूसरी गुड़िया है वो भी पूरा योग कर रही है, इधर आओ अनन्या, ये भी पक्की है, आजा आजा, आप तो अच्छे बच्चे हो, बैठो। ये वज्रासन भी करते, वज्रासन करो ऐसे, इसकी मम्मी ने भी, इधर आओ, इसकी मम्मी ने भी, इधर बैठो, प्रेगनेंसी के दौरान इसकी मम्मी ने भी योग किया, इधर बैठ जाओ बाबू। और प्रेगनेंसी के दौरान वज्रासन करना चाहिए, बटरफ्लाई करना चाहिए, और प्रारंभिक अवस्था में तो जो है शशकासन भी कर सकते हैं, बाकी बाद में फिर आगे झुका नहीं जाता है जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है। तो देखो ये शशकासन भी करते हैं, चलो अनन्या जी करो। तो गर्भावस्था के प्रारंभिक दिनों में ये शशकासन भी कर लेना चाहिए ऐसे, लेकिन बाद के दिनों में नहीं हो पाएगा। बाद के दिनों में तो सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम मुख्य रूप से हो पाएंगे और थोड़ा थोड़ा उष्ट्रासन,
अर्धचंद्रासन, मकरासन, भुजंगासन, ये सब हो पाएगा। मरकटासन वो अभी हम बताने वाले। तो ये खुद करते थे ऐसे। तो गर्भावस्था के दौरान एक तो सूक्ष्म व्यायाम, ये देखो कितने इजी है, करो बेटा अभी, अनन्या करो, ये करो, ऐसे भी करो, ऐसे फिर गोल भी घुमाओ, हाँ सीधे करके ऐसे करके ऐसे घुमाओ। इन्होंने टोपी तो बहुत अच्छी लगाई स्वामी जी। तो कान पैक एकदम। हाँ टोपी भी आपकी बहुत अच्छी है, कह रहे हैं हुसैन जी। हाँ चलो करो करो, ये करो, ये भी करो, ऐसे करो, ऐसे करके और ऐसे घुमाओ, ऐसे करो, ऐसे। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मम्मी को भी और इसकी बेटी को भी। हाँ? तो योगाभ्यास प्रेगनेंसी के दौरान करना चाहिए, और प्रेगनेंसी के दौरान दवाइयां नहीं लेनी चाहिए एलोपैथी की। अब उसका भी आज विकल्प बताने वाला हूं।